बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। लाइका ट्रुथ स्टेशन 1203 के एक नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइका ट्रुथ स्टेशन के साथ हम किसी टावर की हाइट किस तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखकर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें कि हम किसी भी टावर की हाइट ट्रुथ स्टेशन के साथ राइट एंगल ट्राइंगल को यूज़ करते हुए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने टावर से थोड़ी दूर फासले पर ज़मीन के अंदर एक स्टील फिक्स करके बेंचमार्क उसको कंसिडर करते हुए उसके ऊपर अपनी ट्रुथ स्टेशन को कंप्लीट बबल एंड सेंटर कर लेना है। ट्रुथ स्टेशन को कंप्लीट सेट करने के बाद अब हम अपने प्रिज्म रॉड को टावर के बॉटम पर जाकर सेट करेंगे, क्योंकि हमने अपनी ट्रुथ स्टेशन से लेकर इस टावर के बॉटम तक प्रिज्म रॉड को इस्तेमाल करते हुए अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ऑब्ज़र्व कर लेना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्ज़र्व करने के लिए सबसे पहले मैं अपनी ट्रुथ स्टेशन के आईपीस को इस्तेमाल करते हुए उसके क्रॉस हेयर प्रिज्म रॉड पर सेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं ट्रुथ स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। सबसे पहले हमने सर्वे फोल्डर को ओपन करना है। सर्वे बिगिन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने कंटिन्यू बटन के लिए F1 की प्रेस करनी है तो सर्वे की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से हमने अपने डिस्टेंस के लिए F2 की प्रेस करनी है तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखें, अब मैं F2 की प्रेस करते हुए अपनी ट्रुथ स्टेशन के सेंटर से लेकर टावर के बॉटम तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूँ, जो कि 75.484 आ रहा है। इसको हमने अपने पास नोट कर लेना है। नेक्स्ट, हमने वर्टिकल एंगल मेजर करना है तो उसके लिए हमें ट्रुथ स्टेशन के एंगल की डिटेल का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अभी हमारी ट्रुथ स्टेशन का टेलीस्कोप जिस पोजीशन में आपको नज़र आ रहा है, यहाँ हमारी ट्रुथ स्टेशन का वर्टिकल एंगल 90 डिग्री होता है। मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को रोटेट करके डिस्प्ले में आपको दिखा देता हूँ कि अभी प्रेजेंट पोजीशन में वर्टिकल एंगल हमें 90 डिग्री शो हो रहा है। मैं अब टेलीस्कोप को रोटेट करके डाउन पोजीशन में लेके जा रहा हूँ तो हमारा एंगल चेंज हो जाएगा। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि अभी हमारा वर्टिकल एंगल हमें 180 डिग्री शो हो रहा है। इसके बाद मज़ीद हम टेलीस्कोप को घुमाकर चेक कर लेते हैं कि जैसे ही हम अपने टेलीस्कोप को ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमारा एंगल चेंज होकर 0 डिग्री हो जाएगा। मैंने सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को टावर के बॉटम पर 90 डिग्री पर सेट किया हुआ है। इस पिक्चर में मैं आपको ट्रुथ स्टेशन का 90 डिग्री वर्टिकल एंगल शो कर रहा हूँ। नेक्स्ट, अब मैं अपने ट्रुथ स्टेशन के टेलीस्कोप को मूव करके टावर के टॉप तक सेट कर लूँगा। टावर के टॉप तक टेलीस्कोप को सेट करने के बाद अब हम ट्रुथ स्टेशन के डिस्प्ले में देख लेते हैं तो हमारा वर्टिकल एंगल चेंज होकर 90 डिग्री से 53 डिग्री 13 मिनट 25 सेकंड हो चुका है। इस तरह हमारा साइट वर्क कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं अपने कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हमने 90 डिग्री में से 53 डिग्री 13 मिनट 25 सेकंड को माइनस कर लेना है। तो इस तरह हमारे टावर के बॉटम से लेकर टॉप तक हमारा वर्टिकल एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल के दो कंपोनेंट आ चुके हैं, बेस और एंगल। तो हम थर्ड कंपोनेंट परपेंडिकुलर को इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम अपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बेस और टावर हाइट ऑफ टावर को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का फार्मूला टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस अप्लाई होगा। फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेशन करने के बाद हमारे टावर की हाइट कैलकुलेट हुई है 56.420। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।